नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। महिला प्रोफेसर को आया अश्लील मैसेज, उनके ही विभाग के कर्मचारी ने भेजा मैसेज, प्रिंसिपल से रो रोकर की शिकायत, डिपार्टमेंट से हटाया गया। कल्याण पीजी महाविद्यालय भिलाई में एक महिला प्रोफेसर को वहीं के कर्मचारी ने अश्लील मैसेज भेजा है। महिला प्रोफेसर ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की तो उन्होंने उस कर्मचारी को महिला प्रोफेसर के विभाग से हटाते हुए अपने यहां अटैच कर लिया है। साथ ही मामले की जांच को महाविद्यालय की विशाखा गाइडलाइन कमेटी को सौंप दिया है। कल्याण महाविद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर संतोष जैन ने बताया कि 3 मार्च को महाविद्यालय के एक विभाग की विभागाध्यक्ष व महिला प्रोफेसर ने इस संबंध में शिकायत की है। महिला प्रोफेसर ने रो रोकर बताया कि उन्हीं के विभाग में काम करने वाले एक कर्मचारी ने उन्हें अश्लील मैसेज किया है। प्रिंसिपल का कहना है कि महिला प्रोफेसर ने खुद बदनामी के डर से इसकी शिकायत बाहर न करने की बात कही थी। इस पर उन्होंने उस कर्मचारी को तत्काल महिला प्रोफेसर के विभाग से हटाकर प्रिंसिपल ऑफिस में अटैच करने का आदेश दिया। प्रिंसिपल संतोष जैन का कहना है कि इस दौरान विशाखा गाइडलाइन कमेटी मामले की जांच करेगी कि सत्यता क्या है और वो उस कर्मचारी के व्यवहार को भी देखेगी। कल्याण महाविद्यालय प्रबंधन और वहां के अध्यापक भले ही छात्र छात्राओं को ज्ञान और सिद्धांतों का पाठ पढ़ाते हों, लेकिन वो खुद के आदर्श और जिम्मेदारी को भुला चुके हैं। यहाँ महिला उत्पीड़न की कई घटनाएं घट जाने के बाद भी कॉलेज की गरिमा और साख को बचाने के लिए महिलाओं के उत्पीड़न के मामले को दबा दिया जा रहा है। इस तरह की शिकायत पुलिस तक न जाने से ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हैं।